हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने क्षेत्र नहीं देखा, हमने भाषा नहीं देखी, हमने प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ है। हमने प्रयास किया है योजनाओं का लाभ गरीबों तक मिले, हर हाल में मिले, और उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों का जो योगदान था मैं देखता था, सचमुच मैं इस बात को देखता था। जनरल वीके सिंह जी विदेश मंत्री के रूप में काम करते रहे, विदेश मंत्री के रूप में दुनिया के अंदर जहां भी कोई क्राइसिस होती थी वहां पर अगर कोई व्यक्ति जाता था उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, भारत के विदेश मंत्री के रूप में वहां पर जाकर के समस्या का समाधान करने और भारत के नागरिकों को सकुशल भारत वापस लाने के लिए जान की बाजी लगा करके भी उन भारत के नागरिकों को दुनिया के अंदर युद्धग्रस्त क्षेत्र से भी सुरक्षित निकालने का कार्य अगर किसी ने किया है आपके इस बहादुर जनरल वीके सिंह जी ने किया है। और सचमुच पूरा देश और पूरी दुनिया जनरल वीके सिंह जी का सम्मान इस बात को लेकर के करती है। मैं सचमुच जब जनरल वीके सिंह जी को देखता हूं, भारत के आर्मी के जनरल के रूप में उनका यशस्वी कार्यकाल देश के लिए यशस्वी और यादगार था, और आज विदेश राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किए हैं 5 वर्ष के दौरान वह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी उनका कार्यकाल जाना जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक और बात जो महत्वपूर्ण है और वह है कि जनरल साहब को मैं देखता था, अगर सप्ताह में 2 दिन विदेश में हैं तो 2 दिन वह दिल्ली और लखनऊ में गाजियाबाद की विकास की योजनाओं को लेकर के रहते थे और 3 दिन गाजियाबाद में रहते थे। कोई अन्य सांसद मंत्री के रूप में इतना अपने क्षेत्र को समय दे यह देखते हुए बनता था। और सचमुच लगता था आर्मी का जनरल जो व्यक्ति रहा हो, देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, थल सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में जिस व्यक्ति ने अपनी सेवाएं दी हो वह इतनी आसानी से जनता के बीच में जाकर के कार्य करे। मैं तो देखता था कि आज प्रस्ताव उन्होंने दिया कि फलानी जगह इंटर कॉलेज चाहिए, फलानी जगह चिकित्सालय चाहिए, फलानी जगह आईटीआई चाहिए, फलानी जगह पॉलिटेक्निक चाहिए, फलानी जगह सड़क चाहिए, फलानी जगह बिजली चाहिए, फलानी जगह पुल चाहिए। हम लोग एक बार रख देते थे कि भाई ठीक देखेंगे, लेकिन तत्काल 3rd दिन उनका फोन आना शुरू हो जाता था, हमारे कार्य का क्या हुआ, हमारे फलानी जगह के कार्य का क्या हुआ, फलानी जगह में हमारे यहाँ ये अधिकारी नहीं, ये कर्मचारी नहीं, इसकी नियुक्ति दीजिए, जनता को परेशानी हो रही है। वे विदेश में भी हैं तो गाजियाबाद के बारे में, वे देश में हैं तो गाजियाबाद के बारे में, लखनऊ में हैं तो गाजियाबाद के बारे में। 2 ही काम थे विदेश मंत्री के रूप में, भारत की वैदेशिक नीति के मोर्चे पर भारत को दुनिया के शीर्ष स्थान दिलाना, और अगर देश में है तो गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करके देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। आज गाजियाबाद इतना साफ और सुथरा है, तो विजन है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, आपके लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी का, जिन्होंने लग करके पूरी ताकत के साथ लग करके टीम भावना के साथ लग करके उस प्रकार का माहौल गाजियाबाद में दिया। और मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, आज इस टीम भावना का परिणाम है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे साफ सुथरे नगर के रूप में आज अब पहला स्थान प्राप्त किया है। जो गाजियाबाद आज से 5 साल पहले देश के अंदर सबसे प्रदूषित शहर था और जिसके बारे में कहा जाता था सर्वाधिक गंदगी है, आज वह गाजियाबाद यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के परिणाम के फलस्वरूप जनरल वीके सिंह जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के विधायकगण, मंत्रीगण, महापौर, इन सब की टीम ने जो काम किया उसका परिणाम है गाजियाबाद और स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1 पर आया है। अद्भुत।